हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सारे? वेलकम बैक, स्वागत है आपका आपके भाई के चैनल के ऊपर। सो दोस्तों, आज तुम्हारा भाई अपने खुद के लिए एक ऐसी चीज़ लेकर आया है जो उसको भविष्य में सफल करने वाली है। मजाक से हट के मैं अपने लिए एक गेमिंग माइक लेके आया हूँ। काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है गेमिंग माइक, और उसकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो एकदम झकास है, मेरे को बहुत पसंद आई, तो इसलिए मैंने वो माइक मंगा लिया है। और मेरे को अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा था दिवाली के टाइम पे, सो इसलिए मैंने माइक मंगाया। सो चलिए अभी अनबॉक्स करते हैं हमारे उस माइक्रोफोन को, लेट्स गो। सो अभी आप लोग जो बॉक्स देख रहे हो, ये रहा हमारा बॉक्स जो कि अमेजोन की तरफ से हमें आया है। मैंने इसे ऑर्डर किया था, तो इसमें से फटाफट हम हमारा फाइन फाइन का माइक्रोफोन बाहर निकाल लेते हैं। तो ये रहा अपना माइक्रोफोन, आप देख सकते हो कितना बढ़िया लुक में आ रहा है हमारा माइक्रोफोन। आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें रेडिएंट RGB लाइटिंग भी लिखा हुआ है, मतलब इसके अंदर RGB लाइटिंग भी देखने को मिलती है हमें। और जो जो स्पेसिफिकेशंस इसके ऊपर हमें लिखे मिलते हैं आप उसे पढ़ लेना और देख लेना कि हमारे माइक में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। वैसे तो मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ, बट आप बॉक्स के ऊपर जो जो लिखा है उसे पढ़ लेना। जैसे हम बॉक्स को खोलते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पे एक मैनुअल देखने को मिलती है बॉक्स के अंदर सबसे ऊपर में। तो मैनुअल की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें खुद मालूम है कि कैसे इस माइक्रोफोन को सेट करना है। काफ़ी इजी टू यूज़ माइक है। और ऊपर एक स्पॉन्ज टाइप में एक थर्मोकॉल शीट मिलती है हमें, उसे मैंने बाहर निकाल लिया है। उसके बाद सबसे पहले एक हमें वायर मिलती है फाइन फाइन की ब्रांडिंग के लोगों के साथ, और उसके ऊपर एक सेफ्टी कैप भी दी USB टाइप एक। उसके बाद हमें एक पॉप फिल्टर मिलता है। उसके बाद हमें एक टेबल अटैचमेंट का किट भी मिलता है, जिससे कि हम हमारा माइक को बूम आर्म के ऊपर लगा सकते हैं और बूम आर्म को उस अटैचमेंट के साथ लगा सकते हैं। उसके बाद हमें हमारा खुद का मेन माइक मिलता है, फिफाइन का माइक। काफ़ी अच्छा माइक है, इसमें शॉक माउंट भी आता है और ऊपर एक टच बटन भी आता है। उसके बाद हम देख लेते हैं नीचे की साइड में कि हमें क्या मिलता है। तो नीचे की साइड में हमें एक बूम आर्म देखने को मिल रहा है, तो फटाफट इस बूम आर्म को बाहर निकाल लेते। काफ़ी स्ट्रांग है यार ये बूम आर्म, मेरे को लगा नहीं था इतना स्ट्रांग रहेगा, मगर काफ़ी हार्ड है, मेटल का है पूरा और काफ़ी मजबूत लग रहा है। तो दोस्तों, आई होप आपने अनबॉक्सिंग देख ली होगी, और अनबॉक्सिंग देखने के बाद अभी जो आप ये जो ऑडियो सुन रहे हो वो है बोया का M1 माइक, जो कि अराउंड 700-800 के आसपास आ जाता है। और अभी मैं स्विच करने वाला हूँ मेरे फाइन फाइन के तरफ से आने वाला गेमिंग माइक्रोफोन में, लेट्स गो। तो स्विच करते इन 3, 2, 1। सो आई होप अभी आपको डिफरेंस आ रहा होगा ऑडियो में। है एक USB माइक है, और जो मैं बोल रहा था पिछले वाला माइक वो बोया का माइक था, बोया बाय M1। और ऑडियो में कैसा डिफरेंस आ रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक प्रॉपर USB कंडेंसर माइक है, और इसमें कुछ ज़्यादा फीचर्स नहीं है, सिर्फ दो फीचर्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे। एक यहाँ पे टच टू क्लिक करूंगा तो आपको मेरी आवाज़ आएगी, तो कुछ ऐसा फीचर है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। और एक RGB का फीचर है, RGB से अपना RGB कंटिन्यू चेंज होते रहते हैं, ऑटोमेटिक है, इसमें कोई ऐसा है कि नहीं कि हम रिमोट से इसे कंट्रोल कर सकते। और नीचे इसका एक स्क्रोल है जिससे कि मैं गेन कम, आप आवाज़ सुन रहे होगे, गेन में काफ़ी डिफरेंस आ रहा है, मैं उधर देख रहा हूँ ताकि ज़्यादा आवाज़ लाउड ना आए इसीलिए। सो आई होप आपको ये माइक अच्छा लगा होगा, काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छा माइक है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। और ये मैंने पर्सनली मेरे गेमिंग के लिए यूज़ किया है। अभी बैकग्राउंड में एक बॉम्ब का आवाज़ आया, वो मालूम नहीं कैप्चर किया कि नहीं, मगर ठीक है। आई होप आपको ये माइक अच्छा लगा होगा, गिव इट अ थम्स अप, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। सो मिलते हैं अनबॉक्सिंग के ऐसे ही वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट, बाय।